आज अध्यक्ष जी मैं आपको दिखानी चाह रही हूँ कौन है कांग्रेस की धरना कुमार। किशोर कुमार, राजेंद्र कुमार नाम सुना होगा, लेकिन धरना कुमार है हमारे साथ। किसके करीबी? अजय कुमार लल्लू। आप राहुल जी के ज्यादा करीबी हैं कि प्रियंका जी? देखिए मैं तो कांग्रेस का करीबी हूँ। अजय कुमार लल्लू किसे बताया हवाई वीर? देखिए जिस तरह की उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, जहाँ हवाई वीर मुख्यमंत्री, हवाई वीर झूठ के पुलिंदा मुख्यमंत्री। कौन है ट्विटर वाले नेता जी? अखिलेश जी और मायावती जी क्या करते हैं? घर में रहते हैं, ट्विटर वाले नेता। यूपी में कांग्रेस की क्या है रणनीति? तो ये कांग्रेस कितना पा रही है? कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। क्यों अजय लल्लू ने किया सरकार बनाने का दावा? नमस्कार, यूपी चुनाव के सबसे चर्चित शो अध्यक्ष जी में आप सभी का स्वागत है। इस बार हमारे साथ अध्यक्ष वो हैं जो लेटने में विश्वास करते हैं, जी हाँ बिस्तर पर नहीं बल्कि जमीन पर। उन्हीं से जानते हैं कि धरना कुमार यानी अजय कुमार यानी लल्लू जी ऐसा क्यों करते हैं। देखिए संघर्ष से रिश्ता नाता कांग्रेस का पुराना है, और कांग्रेस का नाम ही संघर्ष है, समर्पण है, त्याग है, बलिदान है। और मैं समझता हूँ कि आज जिस तरह उत्तर प्रदेश में भय का वातावरण है, गुंडा राज है, कानून का राज समाप्त हो गया है, जहाँ किसान आत्महत्या करने पर विवश है, नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जिस प्रदेश में कोरोना काल के दौरान लाखों लोगों ने जान गंवाई है, ऐसे प्रदेश में आज जरूरत है संघर्ष का। इसलिए संघर्ष के नाते इस सरकार के खिलाफ हम सब लोगों को धरना भी देना पड़ता है, आंदोलन भी करना पड़ता है और जेल भी जाना पड़ता है। लल्लू किसने रखा? लल्लू तो मेरे माँ बाप ने नाम रखा है, और मेरे माता पिता ने मेरा नाम अगर अजय लल्लू रखा है तो मुझे गर्व है लल्लू का नाम। अच्छा, ये मुख्यमंत्री जी सदन में हमेशा लल्लू जी अजय कुमार जी कभी नहीं बोलते, लल्लू जी ये कैसा? देखिए लल्लू नाम श्री कृष्ण का है, और श्री कृष्ण को लल्लू में अगर कोई दिक्कत नहीं तो इस अजय लल्लू को लल्लू कहने में कोई दिक्कत नहीं। आखिर व्यंग करते हैं क्या? देखिए उनका काम है व्यंग करना, जिसके जिस नाम को हमारे माता पिता ने प्रेम से रखा हो तो मुझे तो गर्व है कि लल्लू नाम मेरा है, और लल्लू नाम तो श्री कृष्ण का है, और श्री कृष्ण का नाम अगर लल्लू है तो श्री कृष्ण लल्लू को ना लल्लू रहने में कोई दिक्कत नहीं है। एक वाकया है, साल 2007 में एक नौजवान जो निर्दलीय उम्मीदवार है वो भाषण देता है, बहुत ही ओजस्वी भाषण, और भाषण जब खत्म होता है तो एक बुजुर्ग आते हैं और कहते हैं कि ई बार तो ना पर अगली बार बेटा विधायक जरूर बनबे। तो वो लड़का जो है, बेटा जो है, 2007 में विधायक तो नहीं बनता है, लेकिन उस बुजुर्ग की बात सफल साबित होती है और 2012 में वो विधायक बन जाता है। जी हाँ, वो बेटा यही है। मैं समझता हूँ कि 2007 में जब मैं चुनाव लड़ रहा था, 2007 के पहले मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था, महामंत्री था 2001-2 में, और जनता के बुनियादी सवालों पर कभी थाने के घेराव को लेकर, कभी तहसील के घेराव को लेकर, कभी गन्ना किसानों को लेकर, कभी बाढ़ और बंदे की समस्या को लेकर, कभी खनन के खिलाफ, कभी तमाम उन विषयों को लेकर जब मैं संघर्ष करता था, लाठी खाता था, जेल जाता था, तो शायद हमारे क्षेत्र की जनता हमारे ऊपर संपैति व्यक्त करती थी। 2007 में जब मैं चुनाव लड़ा तो मैं मात्र 3200 वोट पाया, लेकिन सवाल इस बात का था कि उस समय जनता ने मुझे समर्थन तो नहीं दिया, लेकिन निश्चित तौर से उन लोगों ने इस बात को जरूर कहा कि 2012 में इस अजय लल्लू को जरूर समर्थन देंगे,
और उन्हें यह भरोसा था कि शायद 2012 में अजय लल्लू जरूर चुनाव जीतेगा। क्या है 2007 में चुनाव हारने के बाद जो हमारे साथ अजय लल्लू खड़े हैं वो दिल्ली चले जाते हैं, दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं, श्रमिकों का काम करते हैं और मजदूरी करने के बाद भी अपने क्षेत्र से जुड़े रहते हैं, संपर्क करते हैं। जनता बुलाती है कि बेटा दिल्ली से आ जाओ, गांव में तेरा इंतजार चल रहा है। वो दिल्ली से आते हैं और फिर अपने राजनीति में जुट जाते हैं और 2012 में विधायक बन जाते हैं। देखिए 2007 का जो समय था, चुनाव हारने के बाद मेरे मित्रों ने कहा कि चुनाव वही जीत सकता है जिसके पास पैसा होगा। पैसा का अभाव था, गरीब परिवार से था, परिवार में रोजी रोटी का भी संकट था, लेकिन एक जज्बा था, जोश था, जुनून था, इसलिए हम लोग छात्र राजनीति से निकल कर आए थे। छात्र संघ के अध्यक्ष और महामंत्री थे और संघर्षों से रिश्ता नाता था। निश्चित तौर से लोगों ने मुझे प्यार, समर्थन और आशीर्वाद जरूर दिया, जिसके नाते मैं आज दो बार विधायक रहा। जब वो समय था तो उस समय पैसे का अभाव था, 2007 में चुनाव हारा था, भोजन के भी संकट थे और पॉकेट में पैसे भी नहीं थे। उस समय मैं दिल्ली गया और दिल्ली जाने के बाद मैंने मजदूरी की, झुग्गी में रहा, सरिया सटरिंग और मकान बनाने का काम मैं अपने साथियों के साथ करता था। लेकिन एक साल का समय बीता, शायद ईश्वर को मंजूर नहीं था और मैं मजदूरी करने के उपरांत भी वो चीज़ें नहीं कर पा रहा था जिससे मेरा जीवन चल सके। जब एक से डेढ़ साल बीता, मैं थोड़ा प्रगति पर आया तो गांव से लोगों का फ़ोन आया कि भाई अब आ जाओ, यहाँ थाने की पुलिस बहुत परेशान करती है, गन्ना किसानों की कोई बात नहीं सुनता, बंधे कटान होते हैं, बंधे की लड़ाई कोई नहीं लड़ता, खनन वैसे ही हो रहा है और तहसीलिया उत्पीड़न भी तमाम बड़े जोरों पर है, ज़रूरत है संघर्ष का। फिर मैं वापस आता हूँ, लोगों का अपार जन समर्थन मिलता है और जब जनता के बीच में बुनियादी सवालों को लेकर लड़ता हूँ तब 2012 में हमारे तम कोई राज विधानसभा के लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलता है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है, नौजवानों का साथ मिलता है और मैं विधायक के रूप में चयनित होता हूँ। और प्रियंका जी का आशीर्वाद मिलता है तो आप अध्यक्ष बन जाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो उत्तर प्रदेश में 2012-2017 में विधायक होने के बाद जब तमाम, चाहे मुझे याद है कि आगरा में जब आलू उत्पादक किसानों की समस्या को लेकर, या मुझे याद है कि जब उन तमाम विषयों को लेकर जब उत्तर प्रदेश के विधानसभाओं में मैं मजबूती से उठाता हूं मुद्दों को, सवालों को और जन सरोकार के मुद्दों पर संघर्ष के रिश्ते देखते नाते एक आम आदमी के परिवार के बेटे को, एक सामान्य परिवार के बेटे के, एक अति पिछड़े वर्ग से आने वाले कांदू परिवार के बेटे को आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी ने मुझे अध्यक्ष के रूप में नामित किया। कि आप राहुल जी के ज़्यादा करीबी हैं कि प्रियंका जी? देखिए मैं तो कांग्रेस का करीबी हूँ और राहुल जी का भी करीबी हूँ, प्रियंका जी का भी करीबी हूँ, उत्तर प्रदेश के एक कार्यकर्ताओं का करीबी। 19-20 में मैं समझता हूँ कि सबसे बराबर का रिश्ता नाता है। सबसे बराबर जी, एकदम तराजू पे बराबर? बिल्कुल बराबर है। प्रियंका जी और राहुल जी में अंतर क्या देखते हैं आप? देखिए दोनों हमारे नेता हैं, राहुल जी हमारे नेता हैं और निश्चित तौर से जो समर्पण, त्याग और संघर्ष का जज्बा उनके अंदर है, जहां देश के इस आताताई सरकार के खिलाफ अकेले, चाहे गिरती हुई अर्थव्यवस्था हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे कोरोना काल के दौरान, चाहे उद्योग धंधे जब पूरी तरह तबाह हो गई, तो सबसे ज़्यादा अगर किसी ने मुद्दों को उठाया, आदरणीय राहुल गांधी जी ने उठाया। अच्छा आप इतने कॉन्फिडेंस में हैं राहुल जी और प्रियंका जी को लेकर, तो भाजपा को इस बार कितनी सीट दे? देखिए जिस तरह की उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, जहां हवाई वीर मुख्यमंत्री, हवाई वीर झूठ के पुलिंदा मुख्यमंत्री, संत है, महंत है, गेरुआ वस्त्र पहनते हैं लेकिन झूठ के अलावा कभी सच न बोलने वाले मुख्यमंत्री 30 सीट से अधिक नहीं पाने जा रहे हैं। क्या
300 की 30 पा जाए तो वो भी अतिशयोक्ति होगी, महंगाई चरम सीमा पर है। भाई अब की बार 400 के पार की बात हो रही है और आप 30 कह रहे हैं, मेरा कान सही सुन रहा है कि गलत? एकदम ध्यान से सुन लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी 30 सीट से अधिक नहीं पाने जा रही है, वो 30 सीट पा जाए वो भी बहुत ज्यादा होगा, आप देख लीजिएगा ना। अभी आचार संहिता घोषित होने दीजिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता वोट मांगने जाए देखिएगा जनता क्या हाल करती है, जनता। अरे भाई जाके मैं सीट की आप बात कर रहे हैं तो ये कांग्रेस कितना पा रही है? कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है पूरे बहुमत से, बिल्कुल पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है अकेले दम पर। अच्छा अखिलेश जी उनके साथ नहीं लेंगे? देखिए अखिलेश जी तो केवल चुनाव लड़ने वाले नेता हैं, वो चुनाव लड़ने पर विश्वास करते हैं, संघर्ष कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। सोनभद्र में जब आदिवासी भाई बहनों की निर्मम हत्या कौन लड़ा, उन्नाव की बेटी के न्याय के लिए कौन लड़ा, शाहजहांपुर की बेटी के न्याय के लिए कौन लड़ा, हाथरस की बेटी के न्याय के लिए कौन लड़ा, अभी कल इलाहाबाद में एक पासी परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या हुई फाफा मऊ में, कौन गया? प्रियंका गांधी गई। अरुण वाल्मीकि की निर्मम हत्या हुई, मनीष गुप्ता की निर्मम हत्या हुई, कौन गया? प्रियंका गांधी गई, कांग्रेस कार्यकर्ता गए। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस लड़ेगी, बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस लड़ेगी, किसानों की आवाज कांग्रेस उठाएगी। वोट में जब समय आएगा तो समाजवादी को समाजवादी सपना देखना बंद करे, कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश की जनता को सपा बसपा और भाजपा ने जितना धोखा देना था दे लिया। अच्छा आप कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी लड़ने वाली हैं, तो अखिलेश जी और मायावती जी क्या करते हैं? घर में रहते हैं, ट्विटर वाले नेता। इस जमीन पे कौन है? जमीन पर कांग्रेस पार्टी है, प्रियंका गांधी है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है। 3 दिन से लेकर 3 महीने तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जेल की यातनाएं सही है इस सरकार के दमन अन्याय अत्याचार के खिलाफ। किसानों की आवाज, नौजवानों की आवाज, गरीबों की आवाज कौन उठाया है? कांग्रेस के कार्यकर्ता उठाए हैं। महंगाई को लेकर कौन लड़ा है? कांग्रेस के कार्यकर्ता लड़े हैं। और मैं समझता हूं अब की बारी कांग्रेस की बारी है, बदलाव की आंधी है जिसका नाम प्रियंका गांधी है। अच्छा ये बताइए कि अखिलेश जी जो है वो 400 के पार कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी 400 के पार कह रही है, अब आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार बनेगी कांग्रेस की, तो कितनी सीट आप दे रहे हैं, आप कितने पार हैं? देखिए 400 दुनिया 800 हो गया और सीट तो 403 ही है, तो आप इसी से समझ सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री एक कहानी सुनाते हैं, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं। वो कहते हैं क्या, अपराधी या तो जेल छोड़ के भाग गया है, या तो जेल में है अपराधी, या तो जेल में है, नहीं तो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गया है। आपने शोले फिल्म देखी है, उसमें एक जेलर होता है, क्या कहता है, आधे इधर आओ आधे उधर जाओ बाकी सब मेरे पीछे आओ। वही हाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का है। ये मुख्यमंत्री जी उस असरानी से कम नहीं है और भारतीय जनता पार्टी तो जोकर का काम। मैं कह तो रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का समय पूरा हो गया, अब भारतीय जनता पार्टी के जाने का समय पूरा हो गया, ये सरकार जा रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है। ऐसी ऐसी बात कह रहे हैं, असरानी से तुलना आप सीएम की कर रहे हैं, हवाई यात्रा कह रहे हैं कि हवाई यात्रा करते रहते हैं, हवाई वीर। अच्छा हवाई वीर का मतलब हवा में केवल उड़ते रहने वाले, ब्रांडिंग वाले, पोस्टर वाले, होर्डिंग वाले। आप बताइए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कि बेंगलुरु के मंत्री हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, हैदराबाद के मुख्यमंत्री हैं, कलकत्ता के मुख्यमंत्री हैं, नहीं यूपी के हैं, यूपी उत्तराखंड के हैं, दिल्ली के हैं, जाके देखिए वहाँ होर्डिंग लगी है 4 लाख रोजगार, कानून व्यवस्था पूरी तरह एकदम, अपराधी भाग गए। अब बताइए हैदराबाद में अपराधी भगा के क्या करेंगे? स्टाइल में हाथ उठा तो इसलिए कह रहा हूँ कि जो बोलते हैं वही मैं बोल रहा हूँ। ये एक बार और थोड़ा बताइए कैसे एडवर्टाइजमेंट से कैसे बोलते हैं, होर्डिंग से, पोस्टर से, वो वोट मांगते हैं आप मांगते हैं? नहीं मैं तो कह रहा हूँ ना समय पूरा हो गया है, गोरखपुर के मठ के अलावा और कोई जगह मिलना नहीं है, वो जगह सुरक्षित कर ले, गए आने दीजिए चुनाव, जनता जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। 30 सीट मैंने कहा है ना पार कर जाएगी भाजपा, तो हमसे आके बात करिएगा।
फोटो आ रहा है प्रधानमंत्री के साथ, प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी के कंधे पे हाथ रखते हैं और जेवर में केशव मौर्य जी के साथ ऐसे हाथ उठा के रखते हैं, तो ये क्या चल रहा है बताइए, आप तो राजनीति के जानकार हैं। देखिए प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं जाने दो, अब कोई बात नहीं, उत्तर प्रदेश जा रहा है, अब संतोष करो, अफसोस मत करो। और जो केशव जी का हाथ उठा के कह रहे हैं क्या करो, क्या करोगे मेरे मित्र, ये ले गया योगी सब बर्बाद कर दिया, अब तुम भी शांत हो जाओ, हम भी शांत होने जा रहे हैं। गाड़ी तो गयो गयो, भाजपा गयो, टाइम पूरा हो गया। ये तो आपने एक फिल्म का डायलॉग बता दिया। मैं तो कह तो रहा हूँ किसान भी खोज रहा है, नौजवान भी खोज रहा है, घर की औरतें भी खोज रही हैं जो 1000 में सिलेंडर ले रही हैं, गरीब भी खोज रहा है, पिछड़ा भी खोज रहा है, दलित भी खोज रहा है, आम आदमी खोज रहा है कि मुख्यमंत्री जी चेहरा मत दिखाइएगा, हो गया, जितना भरोसा विश्वास तोड़ लिया। विश्वास की बात कर रहे हैं, किस पे इतना आपको, आप इतरा रहे हैं प्रियंका जी पे कि राहुल जी पर, कार्यकर्ताओं पर कि खुद पर, इतना इतरा रहे हैं कि आप ही प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं, आप बताइए आपकी क्या क्या तैयारी ऐसी रही है। वो 24 घंटे 365 दिन काम करते हैं मोदी, शाह, नड्डा, स्वतंत्र देव और योगी आदित्य। अच्छा एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी आ रही हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं, बड़ा कुछ हो जाएगा, तो ये बताइए जब चुनाव नजदीक आ रहा है तो आने से क्या हो जाएगा? 3 साल से आप देख रहे हैं, अगर किसानों की लड़ाई हो 3 काले कानून के खिलाफ किसने आवाज उठाई? प्रियंका गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने, मथुरा में, बागपत में, मेरठ में, बिजनौर में मजबूती के साथ बड़ी रैली कर किसानों का समर्थन किया। प्रियंका गांधी ने, अगर सोनभद्र में घटना हुई कौन गया? प्रियंका गांधी गई। उन्नाव में घटना हुआ कौन लड़ी? प्रियंका गांधी लड़ी। सारी जगह जा रही हैं, लेकिन ये जा रही हैं और पार्टी के नेता उनकी पार्टी से जा रहे हैं। देखिए पार्टी के नेता जो जा रहे हैं, जिसके मन में डर होगा, जो लड़ना नहीं जानता होगा, जिसके मन में कहीं ना कहीं CBI और ED का डर सता रहा होगा, वो जरूर जाएगा, लेकिन जो लड़ाकू होगा, जो संघर्ष की बात करता होगा, त्याग की बात करता होगा, बलिदान की बात करता होगा, समर्पण की बात करता होगा और कांग्रेस का सपा सिंचाई होगा, तो निश्चित तौर से आदरणीय राहुल गांधी के नेतृत्व में संघर्ष करेगा। जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजा रामपाल, अदिति सिंह, ललितेश, एक नाम नहीं लगभग 2 दर्जन से ज्यादा नेता हैं जो बाहर चले गए। जितिन जी कहाँ हैं? भाजपा में। ज्योतिराज सिंधिया कहाँ है? भाजपा में। अदिति सिंह कहाँ है? भाजपा में। अब आप बताइए क्यों गए? क्यों गए? जितिन प्रसाद के पिताजी को क्या नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने? उनकी पहचान किसने बनाई? 2 बार सांसद, मंत्री, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, भारत सरकार के 2 बार जितिन प्रसाद मंत्री बने, अभी क्या है वो? मंत्री कैबिनेट। किस चीज के? योगी जी के। उत्तर प्रदेश के। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश में अंतर नहीं है, तो अभी इससे नीचे जाने वाले हैं। सिंधिया जी की बात कर लीजिए, राज्य मंत्री हैं, क्या हाल चाल है उनका? उनका राज्य मंत्री, उनका चपरासी उनको हरा दिया, जब इस औकात में आ गए हैं तो उनको भागना पड़ेगा। तो जो लोगों ने पार्टी को कब्जा किया था, जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ, कांग्रेस के साथ धोखा दिया है, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश और देश की जनता जवाब देगी। तो प्रियंका जी, राहुल जी तो इसी ज्योतिरादित्य जितिन प्रसाद से दोस्ती का वादा करते थे, कंधे पर हाथ रख के चलते थे पार्लियामेंट में, मैंने देखा है हर जगह, तो ये जो हाथ रख के चलते थे उन्होंने साथ क्यों छोड़ दिया? ये इशारा आप मोदी जी और योगी जी पर तो नहीं कर रहे हैं? मतलब जैसे कंधे पर हाथ रखने वाली बात तो वही आजकल फोटो खिंचवा रहे हैं, कभी राहुल जी का तो फोटो आपने नहीं देखा होगा। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस संघर्षों की पार्टी है, विश्वास की पार्टी, भरोसे की पार्टी है, और जितिन प्रसाद
और ज्योतिराज सिंधिया। चलिए इनकी बात छोड़िए, बहुत सारे ऐसे राजा रामपाल चले गए, गयादीन अनुरागी चले गए, ये सब बुंदेलखंड के लोग हैं, बहुत सारे नेता चले गए जो नारायण दत्त तिवारी कांग्रेस के नवासी की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने साथ छोड़ दिया, तो उनके ऊपर तो सीबीआई ईडी नहीं था, क्यों छोड़ के चले? कौन छोड़ के चला गया? नारायण दत्त तिवारी जी के जमाने का जमाने क्यों कहा है? अरे विनोद चौधरी हो, ये विनोद चौधरी जी भैया, रामकृष्ण द्विवेदी जी को आप लोगों निकाल दिया, देखिए आप लोगों ने अनुशासनहीनता के खिलाफ, अगर अनुशासन संतोष सिंह को निकाल दिया, जो पार्टी के खिलाफ अनुशासनहीनता करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, अनुशासन के लिए पार्टी जानी जाती है। जो बात आपने कहा राजा रामपाल की, सवाल पूछने के नाम पर नोट लेने वाले सांसद का नाम क्या था? तो क्यों रखे थे? हमारी तो ये करुणा थी, करुणा थी, ये करुणा तो थी। वो प्रियंका जी ने अपना सलाहकार क्यों बनाया? ऐसे सलाहकार नहीं बनाया था, उन्हें एक सदस्य बनाया था। सलाहकार कमेटी का सदस्य क्यों बनाया? सलाहकार कमेटी के भ्रष्ट लोगों से क्यों सलाह? क्या कर रहा हूँ, सलाहकार कमेटी का सदस्य नहीं बनाया था। और आपको याद है अभी चुनाव लड़े थे विधानसभा का, कितना वोट पाए थे? 17,000। जितिन प्रसाद लोकसभा का चुनाव लड़े, कितना वोट पाए थे? चौथे स्थान पर थे। विधानसभा लड़े थे 28,000 वोट पाए थे। उनकी भाभी जिला पंचायत सदस्य में 7वें स्थान पर थी। तो यही तो कद बचा है। एक बात है, ये दिखाओ भाई जमीन। कहा जाता है कि कांग्रेस अपनी जमीन की तलाश कर रही है, जमीन की तलाश कर रही है। अरे भाई, आप कह रहे हैं कि सरकार बनाएंगे, सपा बसपा भाजपा वो सत्ता के लिए संघर्ष कर रही है कि सत्ता में आएंगे, और आप अभी जमीन की तलाश कर रहे हैं, तो अभी तो जमीन तलाशी है अध्यक्ष जी। नहीं, मैं जानता हूं आपको जमीन ये दिख रहा है, ये भीड़ दिख रहा है, ये उत्तर प्रदेश की जमीन है। गोरखपुर में देखा था आपने, वो संगठन की ताकत थी। बनारस देखा था, वो संगठन की ताकत थी। मेरठ देखा था, वो संगठन की ताकत थी। आने वाले दिन में और ताकत दिखाएंगे, और उत्तर प्रदेश में बदलाव की ब्यार है, कांग्रेस की सरकार है। तो आपने देखा अजय लल्लू को, अगले हफ्ते किसी और अध्यक्ष के साथ आपको रूबरू कराऊंगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।